प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप छत्तीसगढ़ पहुंची, प्रदेश को मिली 2,65,000 वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और 1 कृषि विज्ञान केंद्र का ई शुभारंभ किया। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती पर आज पूरे देश में प्रकाशोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को 5 साल पहले शुरू किया गया था और इस छोटी सी अवधि में इस योजना ने देश के गरीब लोगों में ये विश्वास पैदा किया कि उनका भी अपना घर हो सकता है। इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में अब तक 1,26,00,000 घर बन चुके हैं। देश भर में 6,31,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि 0.18% लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1,02,45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 96.70% हो गई है। वर्तमान में 1,97,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जो लगभग 1.86% के आसपास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव से काम किए जाने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,94,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में 5,932 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से 3,575 लोगों की मौत हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच गई है। दूसरी खेप ने प्रदेश को 2,65,000 वैक्सीन मिली है। स्वामी विवेकानंद विमानतल में आज दोपहर विमान द्वारा कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के 23 बॉक्स रायपुर पहुंचे। इस दौरान विमानतल पर पानी की बौछारों से वैक्सीन का स्वागत किया गया। राज्य वैक्सीन भंडार अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार से मिली सूचना के अनुसार 23 बॉक्स में 2,65,000 डोज वैक्सीन मुंबई से छत्तीसगढ़ है। नियमानुसार विमानतल से वैक्सीन को राज्य वैक्सीन भंडार में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद आवंटन अनुसार जिलों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 27 बॉक्स छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। बीती 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 10,872 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ चिकित्सक और नर्स से लेकर सफाई कर्मी शामिल है। वैक्सीन लगाने के बाद सभी को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना, मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी रखना और हाइजीन का ध्यान रखना होगा। चिकित्सकों के अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिन के बाद ही शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र विकसित होता है। महासमुंद जिले में भी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन के मंडपे ने बताया कि महासमुंद जिले में 3 स्थानों पर कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से टीका लगाने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। महासमुंद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 36 सेशन साइट बनाए गए थे, जिसमें हमारे पास 8,982 लोग ऑनलाइन एंट्री थी और शासन के आदेश अनुसार हमें 3 जगह पे कोरोना वैक्सीनेशन करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला अस्पताल महासमुंद के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य पिथौरा और सामुदायिक स्वास्थ्य सरायपाली। जिला अस्पताल महासमुंद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैद्यनाथन पटेल और डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल ने भी कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। अभी हमने लगवाया है आधा घंटा पहले और अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, पूरे नॉर्मल है। पहले अभी क्या है कि लोगों में अभी भ्रम पूरा फैला हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैक्सीन लगाने के बाद कैसा साइड इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे नॉर्मल हैं। जितने भी अभी तक लगा है हमारे यहाँ, हमारे सेंटर पर जितने लोगों को लगा है अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट किसी को ऐसा देखने को नहीं मिला है। मुझे भी अभी वैक्सीन लगा है, मेरे को लगे हुए आधा घंटा हो गया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे। और अभी जिस हिसाब से कोरोना का महामारी चल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबको आगे आके अपना वैक्सीन लगवाना चाहिए। पहला डोज लगा है, 1 महीने बाद इसका दूसरा डोज लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना लगवाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्व निर्धारित सेशन साइट में होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और 1 कृषि विज्ञान केंद्र का ई शुभारंभ किया। नए उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना बेमेतरा जिले के साजा, बालोद जिले के अर्जुंदा, धमतरी और जशपुर में की जाएगी। इसी तरह मुंगेली जिले के लोरमी में कृषि महाविद्यालय और कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र की भी शुरुआत की गई।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित केवल एक कृषि महाविद्यालय था और आज कृषि और उद्यानिकी के 46 महाविद्यालय, 8 अनुसंधान केंद्र और 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है, इसका लाभ किसानों को जरूर मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 35वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और नए कृषि महाविद्यालयों में 115 करोड़ रुपए की लागत के अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सभी जिलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। कृषि और पशुधन विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद जिलों में विशेष सावधानी बरतने और सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, बालोद जिले में हुई है, बस्तर में हुई, जगदलपुर में हुई है, बलरामपुर में हुई है। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया हुआ है कि इसकी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके निर्यात को देखना चाहिए, बाहर से जो चिकन मंगाए जाते हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। बालोद में तो हमने चिकन और एग मार्केट को भी बंद किया हुआ है और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करें। इस बीच बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दुर्ग जिले में भी शासकीय और अशासकीय पोल्ट्री फार्मों में अलर्ट जारी किया गया है। पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉक्टर एम के चावला ने बताया कि पड़ोसी जिले बालोद में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद दुर्ग जिले में रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, जो बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। पड़ोसी जिले में हमारा जो है बर्ड फ्लू हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियाती कदम उठाए हैं, अलर्ट है हमारी टीम। हमारे द्वारा जो है RRT टीम बनाई गई है यहाँ पे बर्ड फ्लू के लिए। RRT मतलब रैपिड रिस्पॉन्स टीम। इसमें क्या है कि हमारे 3-4 डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं और इस टीम में हमने ब्लैक नोडल ऑफिसर भी रखे हैं। ब्लैक से हमारी रिपोर्ट आती है, जैसे भी हम पूरे एहतियात बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए हमने निर्देशित किया सभी को। शासकीय अशासकीय जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ भी हमने उनको सतत निगरानी रखने के लिए अपने समस्त VS को इसमें पत्र के माध्यम से और वैसे भी हमने दूरभाष के माध्यम से भी लेख किया है और उनको बताया गया है कि आप सतत निगरानी रखें, सावधानी रखें, कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तत्काल हमको सूचित करें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बालोद, बस्तर और बलरामपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे देश भर में प्रकाशोत्सव पूरे धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में 1655 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप छत्तीसगढ़ पहुंची, प्रदेश को मिली 2,65,000 वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और एक कृषि विज्ञान केंद्र का ई शुभारंभ किया।
और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 354वीं जयंती पर आज पूरे देश में प्रकाशोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।